हाय फ्रेंड्स, आज आमे बनैबा मिक्स भेज कड़ाई। आगो को आसुथिबा दिवाली या फिर कार्तिक मास रे घरे आकु निश्चय बनांतु आ शेयर करी कि अन्य मानको भी निश्चय सिखांतु। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी आपन को निश्चय पसंद आसीबो। ता पूर्वरु आपन मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ साइड रे थिबा बेल आइकन को नुवा वीडियो रो नोटिफिकेशन पे निश्चय क्लिक करंतु। मिक्स भेज बनैया पे मोठारे दुईटा आलू नेची। आलू को भल भाबरे पील कला पारे एबे ताको एमती लंबा लंबा काटिबा। मिक्स भेज कड़ाई पे सब पर आपण एमती लंबा लंबा काटतु। ता सहित मोठारे गाजर को भी एमती लंबा लंबा काटि नेची। ये देखंतु एमती आपण लंबा लंबा काटि नेबे। ता सहित फुलगोबी को भी मु छोटो छोटो पीस रे एमती काटि नेची। ता सहित मोठारे कैप्सिकम को एमती बड़ बड़ क्यूब साइज रे काटिची। कैप्सिकम टिके बड़ बड़ साइज रे काटंतु। परिबा काटिला पारे एबे गोटे कड़ई रे प्रथमे आमे तेल गरम करिबा। तेल भल भाव गरम हेले से कटा होता पर पकई ताकू आम टे हल्का फ्राई कर नवा। या को आपण 5 रु 6 मिनिट मीडियम फ्लेम रे टिके फ्राई करनी। ए परिबा गुड़ी को आपण ओवरकुक करूँ, जस्ट हल्का स्टर फ्राई करूँ। परिबा हल्का फ्राई हेला परे एबे से कटा होता कैप्सिकम पकेबा। कैप्सिकम कुक होवापे अल्प समय लगे। एबे से अल्प किसी ग्रीन मटर पकेबा। ता सहित मोठार अल्प किसी स्वीट कॉर्न पकेची। ये सब जिनस आपको मार्केट रे बहुत इजिली मिल। एबे परिबा गुड़ी को आउ गोटे रु 2 मिनिट हाई फ्लेम रे हल्का फ्राई कर नवा। आपण चाहिले एथिरे बड़ बड़ क्यूब साइज रो पनीर भी पकई पारिबे, से बहुत बड़ा टेस्ट दबो। एबे आमर परिबा बढ़िया भाव में भाजी हेगलानी। ताको गोटे बाउल रे आमे काढ़ी नवा। स्टर फ्राई करथिबा परिबा गुड़ी को साइड रे रखि नवा। एबे मिक्स भेज कड़ाई पे गोटे स्पेशल कड़ाई मसाला बनैबा। सेथिपई तावा को भल भाव गरम कला परे एबे सेथिरे गोटे बड़ चम्मच गोटा धनिया, गोटा बड़ चम्मच गोटा जीरा, ता सहित 8 रु 10 टी गोटा गोलमरीच, 2 टी सुखिला लंका आउ 3 रु 4 टी छोट गुजराती दरकार आमको। ये सब मसला को आमे हल्का ड्राई रोस्ट करिबा। एथिरे आपण तेल आड करिबेनी, आकु मीडियम फ्लेम रे हल्का रोस्ट करिनबा। गैस को बंद कला परे ये मसला गुड़ को टिके थंडा हवा को दबा। थंडा हेला परे या को गोटे ब्लेंडर रे भल भाव पिसिक यार गोटे मसला पाउडर बनी नबा। ये देखंतु एबे आमर कड़ाई मसला पाउडर बनी की रेडी अछि। एपटे गोटे कड़ाई रे आमे प्रथमे गोटे बड़ क्यूब साइज बटर गरम करिबा। एबे सेथिरे गोटे बड़ चम्मच तेल पकेबा जेमति आमर बटर न जळे। भेज कड़ाई रे आपण बटर निश्चय यूज करंतु। एबे सेथिरे 2टा तेजपत्र, ता सहित अधा चम्मच मोठारे पान मधुरी यूज करछि। भेज कड़ाई रे पान मधुरी रो टेस्ट बढ़िया लगिबो। एबे सेथिरे गोटे कटा हेतिबा बड़ प्याज पकेबा। आउ प्याज को गोल्डन कलर हेला पर्यंत मीडियम फ्लेम रे हल्का फ्राई कर नबा। ये देखंतु प्याज एबे गोल्डन कलर हे गेलानी। एबे सेथिरे गोटे बड़ चम्मच अदा रसुण पेस्ट पकेबा। आउ अदा रसुण पेस्ट को गोटे रु 2 मिनिट हल्का ता कंचा स्मेल गला पर्यंत फ्राई कर नबा। एबे सेथिरे गोटे बड़ कप टमाटो प्यूरी पकेबा। मु एठारे 2टा छोटो टमाटर नेची। एबे सेथिरे अधा चम्मच हळदी पाउडर, स्वाद हिसाब रे गोटे बड़ चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ता सहित तो स्वाद हिसाब रे लुण पकेबा। ए सब मसला को भल भाव मिक्स कला परे एबे ताकु 5 रु 6 मिनिट लो फ्लेम रे कवर करके कुक करिबा। 5 मिनिट परे ये देखंतु मसला तार तेल छाड़ी के केते बढ़िया भाव कुक हो जाइछि। एबे एथिरे प्रथम रु स्टर फ्राई करके रखिथिबा परिबा गुड़ी को पकेबा। आउ परिबा को मसला सहित भल भाव मिक्स करिनबा जेमति मसला परिबा सहित बढ़िया भाव लागिजिबो। एबे सेथिरे गोटे बड़ चम्मच कसूरी मेथी को हाथ रे भल भाव क्रस करके पकई नबा। एबे सेथिरे प्रथम रु जो आमे कड़ाई मसला पाउडर बनैथिले सेथुरु 2 बड़ चम्मच पकेबा। ई कड़ाई मसला पाउडर रु ही ए मिक्स भेज करी रे टेस्ट आसीबो। भल भाव मिक्स कला परे प्रथमे आमे गैस को बंद करिबा। गैस को बंद कला परे ही सेथिरे आपण 2 बड़ चम्मच फ्रेश क्रीम पकांतु, नहले आपणकर क्रीम छिड़ी जीवो। ए क्रीम आपण को मार्केट रे बहुत इजिली मिल जीवो। क्रीम को परिबा सहित बढ़िया भाव मिक्स करनी।
ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଏବେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କପ୍ ପାଣି ପକାଇବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅନ୍ କରି ତାକୁ ଏବେ କଭର୍ କରି 10ରୁ 12 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କୁକ୍ କରିବା। ଏଇ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ କଡ଼ାଇର ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏପଟେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଲେ ସେଥିରେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସରେ କାଜୁ ଆଉ କିସମିସ୍କୁ ଆମେ ହାଲକା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏପଟେ 10ରୁ 12 ମିନିଟ୍ ପରେ ଭେଜ୍ କଡ଼ାଇ ଆମର ବନିକି ରେଡ଼ି ଅଛି। ସବୁ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ଉପରୁ ଅଧା ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ପକାଇବା। ଏହି ରେସିପିକୁ ଆପଣ ସେୟାର କରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଆସୁଥିବା ପୂଜା ପର୍ବରେ ଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏବେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ସେଥିରେ ଉପରୁ ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖିଥିବା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପକାଇବା। ଏବେ ଆମର ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ କଡ଼ାଇ ବନିକି ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ଅଛି। ଉପରୁ ଏବେ ଅଳ୍ପ କିଛି କଟା ହୋଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇବା। ଆପଣ ଏହି ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ କଡ଼ାଇକୁ ରୁଟି ପରଟା ୟା ଫିର୍ ଭାତ ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆକୁ ଘରେ ବନେଇକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇପାରିବେ। ଇଏ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ବନିଛି। ଆଉ ଏଇ ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।